आशु जी, यहाँ पे किस फिल्म की शूटिंग कर रही है हो रही है? हम यहाँ कर रहे हैं जिंदगी तेरे नाम की शूटिंग, और ये ओल्ड एज होम दिखा रहे हैं हम लोग, जहाँ पे मिठुंदा और रंजीता दोनों ओल्ड एज के इनहेबिटेंट्स हैं, यहाँ रहते हैं, और उनके बीच के रिलेशनशिप की फिल्म है ये। ये जो गाना है ये सीन में कहाँ आता है, क्यों पिक्चराइज किया जाता है? ये वाला जो गाना है ये फिल्म के आखिर में आता है, और क्यों पिक्चराइज किया या पिक्चर देखेंगे तो समझ में आएगा। इसमें आपने मिथुनदा को और रंजीता को 25 साल बाद में लाने का कैसे सोचा और कैसे एक्सेप्ट किया है? एक एक्सेप्टेड लव पेयर है मिथुनदा और रंजीता का, उन्होंने पिक्चरें बहुत बड़ी बड़ी हिट दी हुई हैं, उनकी फैंस हैं, उनकी ऑडियंस है, और मुझे चाहिए थे जो दो ऐसे कपल हों, एक ऐसा कपल हो जो उस पूरा दौर उन्होंने देखा है प्यार का, एक रोमांस का, तो जब वो लोग प्यार करने के लिए स्क्रीन पे आए तो लोग एक्सेप्ट करें कि दे माइट हैव बीन इन लव बिकॉज दे हैव हैड अ लॉट ऑफ लव स्टोरीज विच आर सक्सेसफुल। इनके अलावा कौन कौन है फिल्म? इनके अलावा है नया लड़का है कसीम अली खान, आशीष, लड़की नहीं है प्रियंका, शरद सक्सेना जी हैं, दिलीप ताहिल है, हिमानी शिवपुरी जी हैं, सुप्रिया कर्णिक हैं, यतिन कारेकर हैं। मिथुन एक एक्शन हीरो कहलाए जाते हैं और इसमें आपने टोटल उनको एक नया लुक दिया है, तो आपने लगता कि आपके लिए एक रिस्क है? मुझे लगता नहीं कि मिथुनदा जो है वो एक्शन हीरो कहलाए जाते थे। आज आप गुरु देखिए उनका, जो उन्होंने गुरु में काम किया है और लोगों ने उनके काम को सराहा है, एक्सेप्ट किया है, मैं वही चीज़ को आगे लेकर के जा रहा हूँ, मैं कुछ नया रुख नहीं अपना रहा हूँ। मुझे नहीं लगता एक एक्टर जो है वो हर तौर पे एक्सेप्ट किया जाता है।